तो राम राम जी दोस्तों, हरियाणा में बाढ़ आई हुई है घोषणाओं की। हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी गई हैं, लेकिन भाई वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इससे किसको बेनिफिट मिलेगा और भाई क्या क्या घोषणाएं हैं, सारी बातें इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार पूर्वक करी जाएंगी। आप इस वीडियो के साथ बने रहें तो एक एक घोषणा के बारे में आपको बारीकी से बताया जाएगा किसको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे जो पहली घोषणा है, यहाँ पे दिया गया है अब फ्री यात्रा कर सकेंगे अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार वह होते हैं दोस्तों जो 1 लाख से कम इनकम वाले परिवार होते हैं, उन्हें अंत्योदय परिवार कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया गया है अभी 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा ये लाभ। हरियाणा रोडवेज बसों में प्रतिवर्ष 1,000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा। जी हाँ दोस्तों, इस जो पोस्टर ये बैनर है घोषणा का, इसमें ये नहीं बताया गया कि भाई किस किस को ये यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। तो दूसरे बैनर की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात, अंत्योदय परिवारों के लिए इन घोषणाओं का शुभारम्भ। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, पीएम जन आरोग्य आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए अंत्योदय परिवार शामिल है। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवार पहचान योजना। तो उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि। मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना, सभी वर्ग की बेटियों की शादी पर सुगुन के लिए 31,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये कर दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों की शादी के सुगुन के लिए 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री की शिक्षा में महत्वपूर्ण घोषणाएं, ग्रुप डी की भर्ती के कार्य अगले माह तक पूरा करेगी हरियाणा सरकार। जी हाँ, ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा अगले माह तक, और आंसर की भी आ जाएगी, ऐसी घोषणा की है। उसके बाद यहाँ पे थेड की विस्तृतियों को असरलापुर में मिलेंगे 100 वर्ग के गज के प्लाट। ठीक है, इसके बाद 30 वर्ष पुरानी समस्या का किया समाधान, ऑटो मार्केट शीर्षा का राशि ब्याज समेत देगी सरकार। शीर्षा ऑटो मार्केट 7 करोड़ लागत से 210 नई दुकानें का होगा निर्माण। शीर्षा ऑटो मार्केट में पेट्रोल पंप की व दुकान की भूमि होगी आवंटित, सर्विस स्टेशन रेस्टोरेंट आदि के लिए निर्धारित भूमि का होगा आवंटन। इसके बाद यहाँ देखिए, स्पाइक कर्मियों को दिवाली का तोहफा, मुख्यमंत्री ने मासिक मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की है। सफाई कर्मी जो 16,000 से जो है 17,000 रुपये मिलेंगे पहले, और अब ग्रामीण सफाई कर्मियों को 14,000 से लेकर 15,000 रुपये तक देने की घोषणा की है। कसी तसला व अन्य औजारों के लिए 2,000 रुपये वार्षिक और धुलाई भत्ता 1,000 रुपये, यानी कि जो पहले सफाई कर्मचारी जो शहर में थे उनको 16,000 रुपये दिए जाते थे, अब उनको बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिए गए, यानी कि 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले 14,000 रुपये दिए जाते थे, अब जो है 15,000 रुपये बढ़ा दिए गए, यानी कि 1,000 रुपये की बढ़ोतरी दिवाली पर यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई है। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है, कसी तसला व अन्य औजार के लिए 2,000 वार्षिक भत्ता और धुलाई भत्ता 1,000 रुपये। तो यहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी जो घोषणाएं की गई हैं हरियाणा सरकार द्वारा, देखते हैं भाई कितने की सफल होती है इस घोषणाओं को पूरा करने में। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे किसी ने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।